हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दाकिन इंडिया में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जिला स्तर पे जो कॉन्ट्रैक्ट बेस की भर्ती है उसका फार्म आप कैसे भर सकते हैं और वीकेंड कौन से पोस्ट हैं जो कौन कौन सी है। उससे पहले बता देता हूं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हरियाणा के अंदर भर्ती निकली हुई है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे डीसी रेट की। सोशल वर्कर, ऑफिसर, अकाउंटेंट, क्लर्क और काफ़ी सारी पोस्टें हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी सैलरी मिलती है डीसी रेट की, कौन से ज़िले की पोस्टें हैं और ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों उसका रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन, जिसमें बताया गया है कि हरियाणा स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी के अंदर जो वैकेंसी निकली है उसकी एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ पे दिया हुआ है, द फ्लोइंग पोस्ट आर वीकेंट इन हरियाणा स्टेट चाइल्ड डेवलपमेंट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हरियाणा। पोस्ट है, उनकी डिटेल है वो नीचे दी गई है। सारी पोस्टें हैं हरियाणा के जो डिस्ट्रिक्ट स्तर हैं, यानी जिला स्तर पर ये पोस्टें हैं। जिले वाइज पोस्टें हैं इसके अंदर, जो आपकी ज्वाइनिंग है वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही होगी। यहाँ पर दिया हुआ है कि एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी जिला स्तर की ये सारी पोस्टें दी हुई है। यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है ये आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ अलग से पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूँ सीरियल नंबर एक पोस्ट से लेकर सारी पोस्टों का कंटिन्यू हम आपको बताएँगे। ये है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की। इसके अंदर मास्टर डिग्री साइकोलॉजी या सोशल वर्क, मास्टर इन डेवलपमेंट, MSc ह्यूमन डेवलपमेंट, और इसकी मंथली सैलरी है 33,250 रुपये, फिक्स है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड डीसी रेट की पोस्टें हैं। नेक्स्ट सेकंड है, इसमें प्रोटेक्शन ऑफिसर की 22 पोस्टें हैं, इसी के अंदर भी मास्टर डिग्री मांगी हुई है और इसकी सैलरी है वो 21,000। तो जो डिग्री लेवल की काफ़ी सारी पोस्टें हैं वो भी इसके लास्ट तक बताऊँगा। अकाउंटेंट क्लर्क की पोस्टें भी दे रखी है। अभी तो जो पोस्टें हैं ये मास्टर डिग्री है उनकी के लिए है। और नेक्स्ट है इसमें फोर्थ, इसके अंदर भी 22 पोस्टें दी हुई है। ग्रेजुएशन लॉ में किया हो 55% मार्क्स के साथ तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी सैलरी है वो भी फिक्स है 21,000 रुपये। ये सारी पोस्टें डिस्ट्रिक्ट स्तर की है। काउंसलर की पोस्टें हैं यहाँ पर, 22 पोस्ट दे रखी है, इसमें भी मास्टर डिग्री मांग रखी है और इसकी सैलरी जो है 14,000 रुपये है। तो अभी नेक्स्ट है 6 नंबर, सोशल वर्कर। सोशल वर्कर की भी 22 पोस्ट दे रखी है, इसके अंदर भी मास्टर डिग्री सोशोलॉजी से, साइकोलॉजी से या MSc ह्यूमन डेवलपमेंट से, इसके अंदर भी 14,000 रुपये सैलरी दी हुई है। पर मंथ की सैलरी बताई जा रही है। डीसी रेट यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस की भर्तियाँ ये सारी हरियाणा के अंदर। यह सोशल वर्कर की 22 पोस्ट, इसके अंदर भी मास्टर डिग्री मांगी हुई है। अभी नेक्स्ट है दोस्तों आपके काम की काफ़ी सारी पोस्टें हैं इसमें, जैसे अकाउंटेंट की पोस्टें, काफ़ी कैंडिडेट इसको अप्लाई करेंगे मुझे पता है। इसके अंदर 22 पोस्टें दी हुई है। बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, BCom आपने कर रखी है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो और आपका जो परसेंटेज है वो 55% मार्क्स होने चाहिए। कंप्यूटर का आपको ज्ञान होना चाहिए, MS ऑफिस वर्ड, एक्सेल का और नेट सर्फिंग का, और आपको हिंदी इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए। इसके अंदर सैलरी है पर मंथ 14,000 रुपये, यानी आप ज़िले में अकाउंटेंट की पोस्ट सर्च कर रहे हैं तो आप ये फार्म भर सकते हैं। ज़िले के अंदर आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस की पोस्ट मिलेगी। इसके बाद में डाटा एंट्री की 22 पोस्टें, इसी के अंदर ग्रेजुएशन 55% मार्क्स से कैंडिडेट है इसको अप्लाई कर सकते हैं। 14,000 रुपये इसकी सैलरी है। कंप्यूटर का आपको ज्ञान होना चाहिए, 14,000 रुपये सैलरी। आपको डिस्ट्रिक्ट के अंदर डीसी रेट की पोस्टें बताई जा रही है। इसके बाद है असिस्टेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, 22 पोस्ट, ग्रेजुएशन 55% मार्क्स, हिंदी का ज्ञान, हिंदी और इंग्लिश का, MS ऑफिस और इंटरनेट कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। 10,000 रुपये सैलरी है पर मंथ की। इसके बाद है आउटरीच वर्कर, इसकी 44 पोस्ट दी हुई है, डबल है सभी से, ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी से, 55% मार्क्स, हिंदी का ज्ञान और कंप्यूटर का ज्ञान, और आपकी सैलरी है वह 8,000 रुपये।
ये तो थी दोस्तों वैकेंसीज डीसी रेट पे आपके ज़िले में निकली हुई है और आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। हम और भी नई नई वैकेंसीज बताते हैं हमारे चैनल पे, नई नई वीडियो लेके आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको सबसे पहले नौकरी की जानकारी प्राप्त होगी, जैसे ही नौकरी आएगी या कोई रोल नंबर आएगा। तो आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हैं। ये लिंक आपको मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है और जो इसकी लास्ट डेट है फार्म भरने की वह 19/12/2018। अब ऑनलाइन फार्म कैसे भरेंगे उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपको आपको सीवी तैयार करना होगा। सीवी का मतलब होता है रिज्यूम। आपको अपना रिज्यूम बनाकर तैयार करके रखना होगा। सिंपल सा फॉर्मेट है, मोबाइल से भी आप इसको ऑनलाइन भर सकते हैं। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में व्हाट्सएप पे लिंक में शेयर ज़रूर करें दोस्तों। और हमारी वीडियो कैसी लगती है आप कमेंट के द्वारा हमें बताएंगे, तभी हम आपके लिए नई नई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेके आएंगे। जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा ऑस्कर सिक्योरिटी का। यहाँ पे पेज है कैरियर डेट ऑक्सर, आपको रजिस्ट्रेशन करना है इसके अंदर। इसके अंदर लिखना आपका फर्स्ट नेम, उसके बाद आपका लास्ट नेम का कॉलम, इसके अंदर आपका नाम लास्ट नेम, इसके बाद है नेक्स्ट मेल आईडी का कॉलम, इसके अंदर आपको अपनी मेल आईडी लिखनी है। मेल आईडी लिखोगे, इसको सबमिट करोगे, उस पर नोटिफिकेशन जाएगा, मेल आईडी अपनी सही तरह से बनी। उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस इसके अंदर फिल करना है दोस्तों। आपका तहसील, डिस्ट्रिक्ट, ज़िला और गांव का नाम और पिन कोड, क्योंकि एक ही बॉक्स है, सारा का सारा इसी के अंदर पुट करना है एड्रेस के अंदर। सिंपल सा फॉर्मेट है, मोबाइल से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम्स आती है तो कमेंट कर सकते हैं। किसी भी भर्ती के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद है मोबाइल नंबर का कॉलम, मोबाइल नंबर इसके अंदर फिल करना है। अदर डिटेल, इसके अंदर आपका जो कोई एक्सपीरियंस है, आपके पास कोई एक्स्ट्रा स्किल है तो आप इसके अंदर फिल कर सकते हैं एक्स्ट्रा डिटेल के अंदर, अदर डिटेल के अंदर। इसके बाद है नीचे अपलोड सीवी, इसका मतलब होता है आपका रिज्यूम। आपका रिज्यूम है अभी इसके अंदर चूज करके अपलोड करना है, सारी डिटेल चेक कर लेनी है और सबमिट बटन पर क्लिक करना है। ये आपका फार्म है वो सबमिट हो गया है दोस्तों, आपका फार्म भरा जा चुका है। डीसी रेट की जो ये पोस्टें हैं इसके लिए अगर आपका सिलेक्शन होगा तो आपको मेल आईडी और मोबाइल नंबर पे आपको बताया जाएगा। हमारी वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं, लाइक करें, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नई वीडियो है सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। बेल आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो, और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।